सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताइए सबसे बड़ी भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही बड़ी भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम सिर्फ भगवान का नाम जपो। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम केवल यज्ञ करो। भक्ति का अर्थ है सब में ईश्वर का दर्शन करके और उनमें भगवान जानकर उनकी सेवा करो। आप 1 किलो दूध लेकर जा रहे हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए, और रास्ते में कोई आपके सामने भूखा आ गया, कहता है कि हमें भोजन दे दो, भूख लगी है, दूध पिला दो, तो बताओ उस समय आपका धर्म क्या है? शंकर जी को दूध चढ़ाना आपका धर्म है या उस भूखे की भूख मिटाना आपका धर्म है? क्या है? उस भूखे की भूख मिटाने के बाद यदि 10-20 ग्राम दूध बच जाए वो शंकर जी को चढ़ा दो। पर पहली प्राथमिकता है भूखे की भूख मिटाना। एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। दोनों मां बेटी बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन मौसम खराब था, पानी गिर रहा था, मौसम बड़ा सर्दी का था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, आवाज लगाई, खटखट की आवाज आई। वो मां बेटी बहुत गरीब थी। मां मजदूरी करती थी और बेटी अभी बहुत छोटी सी थी। एक दिन दरवाजे में अपने आप दस्तक हुई, खटखट की आवाज आई, छोटी सी बच्ची दौड़ करके गई और दरवाजा खोला। उसे लगा कोई आया है। दरवाजा खोल कर देखा, कोई नहीं था। नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस लड़की ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और पढ़ा। माँ ने कहा, बेटा कौन है? माँ, कोई नहीं है, पर ये कागज चिट्ठी आई है किसी की। अच्छा, बताओ बेटा क्या लिखा है? बेटी ने कहा, माँ इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं श्री कृष्ण हूं। भगवान कृष्ण ने चिट्ठी लिखी है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब वो बेटी नाचने लगी, माँ भगवान आएंगे हमारे घर, भगवान आएंगे। माँ ने कहा, चल किसी ने मजाक किया है, भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं चिट्ठी लिखकर। वो माँ बेटी दोनों बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते थे और बहुत प्रेम से भगवान का चिंतन करते थे। दोनों माँ बेटी कीर्तन करते थे, भगवान से बड़ा प्यार था। आज भगवान ने कहा, मैं घर आऊंगा। वो नन्ही सी बेटी बोली, माँ ये चिट्ठी भगवान की ही है, वो आएंगे, हो सकता है कल आ जाएं। तो एक काम करो, हमें तैयारी तो रखनी चाहिए। क्या तैयारी करना? अच्छा, भगवान आएंगे तो उन्हें हम खिलाएंगे क्या? आएंगे तो बिठाएंगे कहाँ? और मौसम ठंडा है, कहीं भगवान ने कह दिया रात रुकेंगे तो हम उन्हें उड़ाएंगे क्या? तो दोनों माँ बेटी बोली, चलो कुछ सामान बाजार से खरीद लाते हैं, भगवान आए तो उनके काम आएगा। दोनों माँ बेटी चली। उनके पास बचत के कुछ थोड़े से पैसे थे। गए, बढ़िया 1 किलो मिठाई खरीदी, बढ़िया वाली, भगवान को खिलाना है, दुकान में जो सबसे बढ़िया थी वो वाली। एक दरी बिछाने की बिछात खरीदी, एक तकिया खरीदा और बढ़िया सा कंबल खरीदा। कंबल खरीद कर भगवान आएंगे, मौसम ठंडा है, उड़ाएंगे। तभी पानी गिरने लगा, मौसम खराब था। तो बेटी ने कहा, माँ
भगवान को कहीं बाहर जाना पड़ा और वो भीगते जाएंगे, वो पानी बरसने में आ गए, छाता भी ले लेते हैं। तो एक छाता भी खरीद लिया, जो पैसे बचे उन्हें बचा के रखा, चलो अब ये थोड़े से पैसे बचे हैं इसको भगवान को दे देंगे, जो कम पड़ेगा वो अपने से खरीद लेंगे। दोनों माँ बेटी बड़ी भोली थी, सामान खरीद के चली, भगवान की शॉपिंग हो गई इनकी आज चली। अभी आप रिक्शे ऑटो पर बैठकर घर जा ही रही थी कि पानी फिर गिरने लगा। घर पास में था, रिक्शे वाले ने कहा यहीं उतर जाओ। माँ बेटी ने छाता लगाया, उतर गई, ऑटो वाले को पैसा दिया, वो चला गया। घर थोड़ी दूर था, वो पैदल जाने लगी बड़ी प्रसन्नता से, आज भगवान घर आएंगे, आज जरूर आएंगे, इस विश्वास के साथ। तभी उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी रास्ते में खड़े हैं और बारिश में भीग रहे हैं, उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है। तो ये लड़की उन्हें बहुत देर तक देखती है और कहती है अपनी माँ से, माँ आप घर चलो, मैं इनसे बात करती हूँ, ये कौन है बारिश में खड़े। माँ को घर छोड़ के आई और वो लड़की पास, घर के पास ही वो पति पत्नी खड़े सड़क में। लड़की छाता लगाए खड़ी थी, बोली बहन आप बारिश में क्यों भीग रही हो, और भैया जी आपको क्या हुआ, और ये बच्चे को क्या हुआ। वो दोनों पति पत्नी बोले, सुनो हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और इसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं, पर क्या करें हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमारे पास छाता भी नहीं है, बच्चा ठंडी से ठिठुर रहा है, उड़ाने को कंबल भी नहीं है और दवाई के कोई पैसे नहीं है। उस लड़की ने विचार किया कि मैंने भगवान के लिए जितनी शॉपिंग की है वो सारी चीजों की जरूरत तो इसे है, इसे सबकी जरूरत है, मैं क्या करूंगी। उस नन्ही सी लड़की ने कहा, भैया हमारे पास कुछ पैसे हैं, थोड़े से पैसे बचे थे, हमारे पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे आप ले लो और जल्दी से इस बच्चे का इलाज कराओ, ये रहा कंबल, ये कंबल इसे उड़ाओ, ये रहा छाता, ये छाता आप लो, और ये रहा मिठाई का डिब्बा, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, हमारे पास तो बस यही है, आप ये मिठाई खा लेना और सुखी रहना, जल्दी से आप स्वस्थ हो जाना और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए। ये कहकर वो बेटी अपने घर आई और जैसे ही घर आई माँ ने कहा, बेटा देख कोई चिट्ठी देकर गया है। अच्छा, उस लड़की ने अपनी माँ से चिट्ठी ली और चिट्ठी लेकर देखा, उसको पढ़ा, उसमें लिखा था, बेटी मैंने कहा था ना कल तेरे घर आऊंगा, आज तेरे घर आया, तूने मुझे मिठाई खिलाई, पैसे दिए, छाता उड़ाया और कंबल दिया, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, पर तुम बहुत दुबली हो गई हो, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी सेवा हम तक पहुंच गई। वो लड़की पढ़कर रोने लगी और दौड़कर वापस गई कि वो जिनकी मैंने सेवा की है वो भगवान थे। दौड़ कर गई, वहां ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष ना कोई बच्चा, वो रोने लगी, मेरे सामने भगवान आए और मैं पहचान ना सकी। तभी इस सोच से वो बड़ी परेशान थी, बड़ी रो रही थी, जब रात हुई वो सोई तो भगवान ने सपने में कहा कि देखो तुमने मुझे पहचाना भले नहीं, तुमने भले ही तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर तुमने मेरी मदद तो की, तुमने मेरा दर्द तो समझा। और जब हम किसी का दर्द समझते हैं, किसी की पीड़ा समझते हैं, तो पीड़ा उस व्यक्ति की दूर नहीं होती, भगवान की पीड़ा दूर हो जाती है, भगवान का दर्द दूर हो जाता है। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते, भगवान हमेशा इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से खाते हैं। इसलिए जब आप किसी का दर्द दूर करते हैं, जब आप किसी की तकलीफ दूर करते हैं, जब आप किसी की पीड़ा को दूर करते हैं,
तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।